हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एडोब फोटोशॉप में फोटो को रोटेट करना और किसी भी इमेज का उसका साइज देखना, इमेज साइज देखना या उसको छोटा या बड़ा करना, यानी कि उसमें इमेज साइज परिवर्तन करना और उसका प्रिंट साइज देना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले आप एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लें। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद आपको कोई पिक्चर या इमेज ले लीजिए। सबसे पहले हम इस जो ये जो देख रहे हैं इस इमेज का हम इसका साइज देख लेते कितना है। इसका विड्थ 1200 पिक्सल्स है और हाइट 1800 पिक्सल्स है। इसका विड्थ डॉक्यूमेंट साइज इसमें पिक्सल डायमेंशन में सो बता रहा है इतना इतना और इसमें डॉक्यूमेंट साइज सेंटीमीटर में इतना और रेजोल्यूशन आपको 300 है, ठीक है। और यदि आपको इसमें कम करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमको इसको पासपोर्ट साइज बनाना है 1.2 to 1.5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिजोल्यूशन 300 पिक्सल इंच यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे आप सॉरी आपको यहाँ पे वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रखना है हाइट में। ये पासपोर्ट साइज के साइज हो गया, पासपोर्ट साइज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पिक्सल सेंटीमीटर आप रख दीजिए और यहाँ पे रिजोल्यूशन आप 300 कर दीजिए। 300 करने के बाद इसको आप ओके कर दें। ओके करके करने के बाद आपको अब प्रिंट के लिए इसको भेजना है। तो प्रिंट के लिए हम कंट्रोल एंड से एक नया पेज देते हैं। यहाँ पे 4x6 की शीट में हम निकालते हैं। यहाँ पे आप इस फोटो को ऑल्ट बटन दबा के आप प्रेस करके यहाँ पे आप लाइए, ड्रैग करके आप इस पेज में लाइए और आपको यहाँ पे 10 फोटो आप और यहाँ पे आप देख रहे कि ऑटो सेलेक्ट लेयर और सो बॉन्डिंग बॉक्स। ये सो बॉन्डिंग बॉक्स का ज़्यादा यूज नहीं है। ऑटो सेलेक्ट लेयर पे यहाँ पे आप चेक बॉक्स लगा दीजिए, इससे क्या होगा आप जिस भी लेयर को सेलेक्ट करेंगे वही लेयर सेलेक्ट होगा। और यदि आपको इस इमेज को आपको रोटेट करना है तो सिंपली आपको कंट्रोल टी राइट क्लिक 90 डिग्री पे घुमा देना है, फिर आपको रोटेट करना है। जिधर आपको रोटेट करना आप कर सकते हैं, मूव टूल पे क्लिक के अप्लाई कर दीजिए। टोटल 10 इमेज इसमें बनाए। अब इसको प्रिंट के लिए सिंपली आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको वह प्रिंट विथ प्रीव्यू में जाए, डायरेक्ट प्रिंट मत कर दीजिए, प्रिंट विथ प्रीव्यू में जाए और आपको यहाँ पे स्केल टू फिट मीडिया पर क्लिक करना है। सेंटर पेज पे आप क्लिक नहीं करना है, सब वैसा ही वैसा ही रहेगा। यहाँ पे स्केल टू फिट मीडिया पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पेज सेटअप पर जाए। पेज सेटअप पर आप यहाँ पर आपको 4x6 लेना है पे आपको वहाँ पे तो 4x6 का साइज नहीं आ रहा है,
तो 4x6 का साइज इसमें शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आपको 4x6 का साइज लेना है ताकि आपको प्रिंट अच्छा तरह से हो सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके आप कर देंगे। उसके बाद आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपको जो भी प्रिंटर है उस प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाना आपको। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे यदि आपका कोई प्रिंटर रहता है तो प्रिंटर का सेटिंग्स यहाँ पे करना पड़ता है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में आपको जिस तरह से प्रिंट करना उस तरह से आपको यहाँ पे सेटिंग्स करने होते। लेकिन इस लैपटॉप में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए इसमें मेरा कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, तो माफ़ी चाहता हूँ, इसमें हम बता नहीं पाए। लेकिन आपको जितना बताना था वो तो हम बता चुके हैं आपको। सिंपली इसमें और कुछ इसमें सेटिंग्स नहीं करना होता। सिंपली आपको पेज का साइज मतलब सिर्फ चेंज करना, तो 4x6। उसके बाद आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज में जाकर उसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट, कलर चाहिए तो कलर पर आपको क्लिक कर देना। तो उसके बाद आपको ओके कर देना। उसके बाद आपको प्रिंट पर ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये फोटो आपका प्रिंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और यदि इस वीडियो में यदि कुछ भी छूट गया, यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका रिप्लाई आपको 100% श्योर दूंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।